हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जेएनवी इंग्लिश एम्पायर। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ग्रामर और लिटरेचर सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक दैट इज नरेशन। हालांकि मैं नरेशन पर पहले ही आपके सामने कई वीडियोस को पोस्ट कर चुका हूँ एंड यू लाइक्ड इट वेरी मच। अब अल्टीमेटली एक ऐसा वीडियो जो आपको कॉम्पैक्ट नॉलेज देने वाला है नरेशन की, नरेशन ऑफ नरेशन। नरेशन का बहुत क्विक रिवीजन है, तो उसे रिवाइज करते हैं फिर हम चलेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्विक रिवीजन में सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में व्हेन देयर इज सेड, सेड अगर आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देन इट विल बी चेंज इनटू टोल्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपने जिस कनेक्टर का यूज करने जा रहे हैं वो है दैट। इट मींस टोल्ड के साथ हम दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में सेड और सेड टू जब कभी भी आता है या सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है एट दैट टाइम इट इज चेंज इनटू आस्क्ड, ये आस्क्ड में बदल जाता है। और उसी के साथ कनेक्टर की तौर पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यूज करते हैं इफ और वेदर, चाहे जिसका भी यूज करिए, चाहे इफ का यूज करिए या वेदर का यूज करिए, बट फ्रीली करिए। ओके, इफ वी टॉक ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मालूम है जो हमारा सेट या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है देन इट विल बी चेंज इनटू ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड बेट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और जिस कनेक्टर का यूज करेंगे वो है टू के साथ। गोइंग टू टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। In assertive sentence, there is a sentence for you. He said to me, I am your best friend. तो कैसे change करते हैं? He will remain same. He and said to is changed into told. He told me that he was my best friend. आपको फिर से remind कराते हैं 1, 2, 3 upon son का formula. अगर आपकी reporting speech में जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड होता है, वहां तक कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी मी एस माई और आते हैं तो उनका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होगा। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपका कोई भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, यू और योर, तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। सेंटेंस में सेट टू से पहले जो वर्ड आता है वो स्पीकर होता है या सब्जेक्ट होता है, और सेट टू के बाद जो वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है या लिसनर होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और कहां पर प्रोनाउन आते हैं? प्रोनाउन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं। यस, ओके, तो सेंटेंस आपका बन गया ही टोल्ड मी दैट ही। इसमें देख सकते हैं कि आई इज यूज्ड फॉर ही, आई का यूज ही के लिए किया गया है, जैसा कि एरो से दिखा भी रखा है कि आई का यूज ही के लिए किया गया है। लेकिन इसीलिए आई इज योर सब्जेक्टिव केस, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हमें ही का सब्जेक्टिव केस रखना है। हमने ही का सब्जेक्टिव केस नीचे रख रखा है ही। एंड टेंस विल बी चेंज्ड, और टेंस क्या बदलेंगे? ऑल प्रेजेंट टेंस आर चेंज इनटू पास्ट टेंस, सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। लेकिन विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के भी चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपको दिमाग में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये और चेंजेस आते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी चेंज सेड इनटू आस्क्ड एंड एट द प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और एज अ कनेक्टर इफ और वेदर इज यूज्ड एंड योर फर्स्ट सेंटेंस इज शैला सेड टू रैना, शैला सेड टू रैना आर यू राइडिंग ऑन हॉर्स एंड द रिप्लाई इज शैला आस्क्ड रैना इफ शी वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स। This is your indirect of interrogative sentence. इसमें क्या changes किए? At the place of comma inverted comma, if is applied and she, are you, सबसे important बात जो आपको याद रखना है,
आर यू, यू इज यूज्ड फॉर रैना, इसमें यू रैना के लिए यूज किया गया है, तो रैना के अकॉर्डिंग यू का शी हो जाएगा, लेकिन इफ के बाद जो सेंटेंस आपका बनेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, इसीलिए ये सेंटेंस में शी वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स है, हॉर्स है, वॉज शी राइडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाई आर यू राइडिंग ऑन द मून, तुम चांद पर क्यों पढ़ रहे हो, चलो चांद के पार चलें। आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा, आई आस्क्ड रवि व्हाई ही वॉज, ओके आर यू था, हमने क्या किया कि व्हाई, द सेंटेंस इज कनेक्टेड विद वाई, वाई के साथ सेंटेंस जोड़ेंगे, इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी आर हैविंग डब्ल्यू एच एनी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इन दैट केस इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड, आपको वाई से ही जोड़ना है, व्हेन आता है तो व्हेन से ही कनेक्ट करना है, या When, why, where, how, इन वर्ड से आपको कनेक्ट कर देना है, तो हमने यहां पर why से कनेक्ट किया और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया, he was reading on the moon, वो चांद पर पढ़ रहा था, you can see in the pics, आप भी चांद पर पढ़ना चाहते हैं तो चांद जैसी शेप की एक चेयर बना लीजिए और बैठ जाए। नेक्स्ट वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, इन केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्टेड इज अप्लाइड एंड एट द प्लेस ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा टू इज अप्लाइड, लेकिन कभी कभी टू नहीं लगता है, कब नहीं लगता है देखते हैं, जैसे डोंट मेक अ नॉइस स्टूडेंट्स सेट प्रिंसिपल, तो जब इसे सीधा करेंगे ये हो जाएगा कि प्रिंसिपल फॉरबेड स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप फॉरबेड की जगह ऑर्डर्ड से बना रहे तब ये सेंटेंस कैसा बनेगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइस, जब डोंट आता है तो उसका नॉट टू हो जाएगा, बट इन केस ऑफ फॉरबेड ओनली टू इज अप्लाइड। आप अगर इसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंपरेटिव सेंटेंस की लिंक को ओपन करिए और इसका वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में आते हैं। ओके, देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन पैगी एंड वांडा, पैगी एंड वांडा की स्टोरी, वांडा पेट्रॉन्स्की की स्टोरी तो आपने पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी स्टोरी है। पैगी वांडा का कन्वर्सेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जैसे पैगी हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, वांडा आई हैव 100 ड्रेसेस, पैगी आर दे ऑल सिल्क, वांडा या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, अब क्या आपको करना होता है, An answer is also given, but you'll have to fill in the blanks. आपको fill in the blanks करना होता है कि सही जवाब क्या होगा, आप तभी कर पाएंगे जब आपने narration को पूरी तरीके से पढ़ रखा है। जैसे पैगी आस्क्ड वांडा, पहला सवाल पैगी ने किससे किया था, वांडा को किया था, हालांकि आपका वांडा पैगी सेड टू वांडा इस तरीके से नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे पैगी सेड टू वांडा ही मानेंगे, और जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पैगी आस्क्ड वांडा हो जाएगा। देन हाउ मेनी ड्रेसेस, आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाई वेयर वेन हाउ, जब ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो इन्हीं से जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि पैगी आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस, देन यू हैव, इट्स योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप एक बात होती है कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं अपने सेंटेंसेस को तो सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, इसीलिए डू यू हैव चेंज होकर यू हैड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, वांडा रिप्लाई करती है, वांडा रिप्लाइड दैट, तो वांडा रिप्लाइड दैट का यूज़ किया गया है। अब इसमें एडिट करना है या फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आपको मालूम है आई हैड, क्योंकि पैकी और वांडा दोनों गर्ल्स हैं तो आई इज़ यूज्ड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की, तो ये ही में शी में चेंज हो जाएगा, तो शी हैड 100 ड्रेसेस उसका रिप्लाई रहेगा। फिर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट सेंटेंस पैगी फिर पूछ रही है कि फर्दर पैगी आस्क्ड हर, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पैगी आस्क्ड हर अगेन का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो फर्दर भी यूज़ किया जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पैगी आर दे आर ऑल सिल्क, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक सी में आपको दिखा रखा है इफ़ दे ऑल वर,
चूंकि सिल्क इसमें ऑलरेडी लिख रखा है तो सिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो आप इफ़ दे ऑल वर आपका अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि दे ऑल वर का यूज़ सब्जेक्ट के बाद किया गया, बिकॉज योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव और असर्टिव नाउ, क्योंकि आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज होने के बाद असर्टिव में हो जाता है। फिर वांडा रिप्लाई करती है, वांडा रिप्लाइड पॉजिटिवली, वांडा ने पॉजिटिवली जवाब दिया, इफ़ देयर इज येस तो आपको पॉजिटिवली लिखना है, या रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव भी कर सकते हैं, निगेटिवली भी कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या करना है, इसकी सी की जगह दैट का यूज़ करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ऑल सिल्क उसका आंसर है, तो आपने लिख दिया दैट दे ऑल वर सिल्क एंड ऑल, वो सारे के सारे सिल्की थी एंड ऑल कलर्स, और सारे कलर। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट एन अदर एग्जांपल, इट्स कन्वर्जेशन बिटवीन लेंचो एंड क्लर्क, लेंचो एंड क्लर्क अ लेटर टू गॉड, बहुत प्यारा चैप्टर है, ज़रूर पढ़िएगा। अ लेंचो, आई हैव सेंट द लेटर टू गॉड यस्टरडे, क्लर्क व्हाट आर यू गॉन मैड, लेंचो नो आई रिसीव्ड अ रिप्लाई आल्सो, क्लर्क आई थिंक यू आर टोटली मैड। ये कन्वर्जेशन है, आपको इसकी स्पीच चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, लेट्स स्टार्ट। लेंचो टोल्ड द क्लर्क, क्योंकि चूंकि पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आप लेंचो ने क्लर्क से कहा, टोल्ड क्लर्क दैट ही हैड, आपको आई को ही में चेंज कर देना है, तो ही हैड सेंट, यहाँ पर ही हैड सेंट अ लेटर टू गॉड द प्रीवियस डे, यस्टरडे इज चेंज इन टू द प्रीवियस डे। अब क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क रिप्लाई करेगा, तो इसमें दिखा हुआ है आपका क्लर्क वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, क्या उससे पूछा, इफ ही वॉज गॉन मैट देन वॉट, वॉट यहाँ पर शॉक को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर शॉक्ड पहले ही लिख दिया है, और जब आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे इफ एज अ कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, तो इफ यू आपका लेंचो के लिए आया है तो लेंचो के अकॉर्डिंग ही हो गया, और ही का वॉज हो गया, देन ही वॉज गॉन मैड, आपने इस तरीके से अपने सेंटेंस को बना लिया। अब लेंचो निगेटिव में रिप्लाई करता है, जब नो आता है तो निगेटिवली या रिप्लाइड इन निगेटिव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लेंचो रिप्लाइड निगेटिवली का यूज़ किया गया, आप चाहें तो रिप्लाइड इन निगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्हीं ने ऑलरेडी बना के दिया है, इट डजेंट मैटर, आपको तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है और सोच समझ के करना है। तो आई रिसीव्ड अ रिप्लाई ऑल्सो देन सेड, तब उसने कहा कि दैट ही हैड रिसीव्ड अ रिप्लाई, आई रिसीव्ड, आई के लिए ही का यूज़ हो जाएगा, हैड रिसीव्ड क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ योर पास्ट इंडेफिनिट, ही हैड रिसीव्ड अ रिप्लाई ऑल्सो। इसी तरीके से अब क्लर्क, क्लर्क फिर क्या कहता है, क्लर्क का क्या रिप्लाई रहता है, क्लर्क मर्मर्ड, क्लर्क फुसफुसाने लगा, आई थिंक यू आर टोटली मैड, क्लर्क कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो, तो क्लर्क मर्मर्ड दैट, उसने बताया दैट ही थॉट, आई थिंक प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसीलिए ही थॉट पास्ट इंडिफिनिट में चला गया, यू आर टोटली मैड, यू का ही में चेंज हो जाएगा और आर का वॉज में चेंज हो जाएगा, ही वॉज टोटली मैड। हल्की स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कन्वर्जेशन लेंचो और क्लर्क का ऐसा नहीं होता है, जबकि क्लर्क उसकी मदद करता है, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन मिल करके। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मच। Now it's practice time. अब आपका practice time है. Okay, exercise is for you. लेकिन मैं इसे solve करने की कोशिश करूँगा आपके साथ साथ, आपसे discussion करके. The sentences are: Librarian, why did you not deposit your book yesterday? Student, I forgot to bring, madam. Librarian, bring and submit it tomorrow. Student, I'll definitely do the same, madam. इसी के साथ इसे चेंज करते हैं। लाइब्रेरियन आस द स्टूडेंट, वाई से कनेक्ट करेंगे और डिड यू कोशिश करेंगे, हैड नॉट में चेंज हो जाएगा और यू किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आएगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस बनेगा कि लाइब्रेरियन आस्क द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डिपॉजिटेड हिज बुक द प्रीवियस डे, ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर से सुन लीजिए, वाई ही हैड नॉट डिपॉजिटेड हिज बुक द प्रीवियस डे, फिर क्या होता है कि द स्टूडेंट रिप्लाइड रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली का यूज तब करते हैं जब यह सर या मैडम आता है, तो रिस्पेक्टफुल्ली को लगा दिया, उसके बाद दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग,
ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग, क्यों लगाएंगे? क्योंकि दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई स्टूडेंट के लिए आया है, ही हो जाएगा, ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग। उसके बाद क्या होता है कि लाइब्रेरियन इंस्ट्रक्ट करती है, लाइब्रेरियन ब्रिंग लेकर के आओ, इट्स योर इंपरेटिव सेंटेंस। लाइब्रेरियन इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टेड हिम भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे जोड़ेंगे, लाइब्रेरियन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एंड सबमिट इट। स्टूडेंट का क्या रिप्लाई होता है देखते हैं। स्टूडेंट रिप्लाई करता है, स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट आई'ल, आई का यूज स्टूडेंट के लिए हुआ है, इसीलिए ही हो जाएगा, ही वुड डेफिनेटली डू द सेम। ओके, ये आपका रिप्लाई रहेगा। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू, इट्स आल्सो अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मैनेजर एंड क्लर्क। किस तरीके से बातें करते हैं और उसको किस तरीके से रिप्लाई करना है और आंसर देना है, देखते हैं। द सेंटेंसेस आर, मैनेजर हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश द वर्क टुडे। क्लर्क, आई नीड टू मोर आवर्स फॉर इट सर। मैनेजर, फिनिश द सेम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। इसमें मैनेजर ने पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो उससे पूछा था, क्लर्क ने रिप्लाई किया अफर्मेटिव में, देन मैनेजर ने उससे इम्परेटिव सेंटेंस कहा। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड का यूज़ करके बनाना है। तो ये सेंटेंस में देखते हैं कि मैनेजर इन द ऑफिस, द मैनेजर इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क। आस्क द क्लर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ ऑलरेडी दिया गया है। हाउ मच टाइम He would take to finish the work that day. अब इसमें देखिएगा, you clerk के लिए आया है। अब clerk का you is your subjective case, clerk के लिए आया है, तो clerk का subjective case he हो जाएगा। At the place of will, you'll have to use would, और affirmative sentence में बनाएंगे, how much time he would take to finish the work that day. अब clerk reply करता है, I need, it's your present indefinite. क्लर्क रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, या क्लर्क रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट ही नीडेड टू मोर आवर्स फॉर इट। अब इसमें ही नीडेड पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया और सेंटेंस को बना दिया। फिर उसके बाद द मैनेजर ऑर्डर्ड हिम टू फिनिश द सेम एज अर्लीस्ट पॉसिबल। ये आपका आंसर रहेगा।